शोभासम एंड हियर आई एम विद अनदर वीडियो। लास्ट वीडियो पे बहुत अच्छा रिस्पांस आया है तो इसलिए आई फेल रियली मोटिवेटेड और इसलिए जल्दी से एक नई वीडियो आ गई है। एंड द टॉपिक ऑफ दिस वीडियो इज अबाउट माय एक्सपीरियंस ऑफ हाउ आई बिकम अ कैबिन क्रू, लाइक द वेन्यू, डेट, टाइम, व्हाट ऑल आर द स्टेजेस दैट आर इंक्लूडेड इन द प्रोसेस एंड व्हाट हैपेंस आफ्टर द प्रोसेस। ओके, सो लेट्स गो। If you want to give interview in Indigo Airlines, the first most important step is to register yourself online, and you can do so on the official website of Indigo, and I will mention the link in the description box, and there you can click it and register yourself. And if you want me to make a separate video of how to register yourself in Indigo Airlines, then please do mention it in the comment box. I'll do so. Because बहुत लंबा form होता है और बहुत time चाहिए होता है उसे fill करने के लिए, बहुत सारे documents upload करने होते हैं। So yes, you can. So I gave my interview in Delhi on 6th of April in 2022. Venue था एक्सेस फार्म इन कालूसराय एंड द नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन वॉज हॉस्खास एंड मैं गई वहाँ पे। मेरा टाइमिंग थी 8 AM रिपोर्टिंग की और जो 11 बजे तक थी। सो लेट मी गिव यू एन एडवाइस गाइज कि जब भी आप इंटरव्यू देने जाओ सो मेक श्योर दैट आप टाइमिंग से आधा या एक घंटा पहले जाके वहाँ पे बैठ रहे हो, बिकॉज इट इज़ गुड। ओके, अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। ऑल्सो क्या कहते हैं, हमें इन्वायरमेंट से वहाँ का जो होता है उससे थोड़ा फ्रेंडली होने के लिए टाइम चाहिए होता है। सो इट्स गुड कि अगर आप इंटरव्यू से आधा या एक घंटा पहले जाकर वेन्यू पर पहुँच रहे हो तो। सो मेरा 8 बजे रिपोर्टिंग टाइम था और मैं पहुँची थी 7:30 बजे। तो मैंने कहा यार कोई है कौन ही आया होगा, आज होंगी एक दो लड़कियाँ। मैं वहाँ पे गई, वो फॉर्म बहुत बहुत अच्छा था, मतलब इट वॉज टू ब्यूटिफुल। और मैं अंदर गई, हॉल था एक बहुत बड़ा, वहाँ पर ऐसे 2 कॉलम्स थे और बहुत अच्छे ऑर्गेनाइज वे में चेयर्स रखी हुई थी बैठने के लिए। तो मैंने देखा एंड आई वॉज सो सरप्राइज कि वहाँ पर अराउंड 40 गर्ल्स ऑलरेडी बैठी थी। सो आई वॉज लाइक वॉट आर डेडिकेशन ब्रो। ओके, सो फिर मैं वहाँ जाके बैठ गई। मैंने देखा कि लड़कियाँ यहाँ क्या कर रही हैं, बिकॉज ये मेरा पहला इंटरव्यू था। और मैंने देखा कुछ लड़कियाँ आपस में बात कर रही हैं, कुछ फ़ोन पे बात कर रही हैं, कुछ फ़ोटोज़ खींच रही हैं, कुछ नर्वसनेस में आराम से बैठी हैं। एंड इवन आई सॉ अ गर्ल हु वॉज रिवाइजिंग हर क्वेश्चंस आंसर, लाइक वो प्रैक्टिस करके आई होगी तो उसने आंसर्स लिखे हुए थे एंड शी वॉज रिवाइजिंग दैम दैट लाइक टेस्ट इज गोइंग ऑन। ऑफकोर्स टेस्ट था बट नॉट क्रैमिंग का, ठीक है। तो आई वाज लाइक ओके, बट ठीक है यार सबका अपना अपना होता है। तो मैंने भी फिर एक दो से बात करी, मेरी दोस्ती हुई एक दो से। फिर अब मेरा जो टाइम मतलब मेरा जो नंबर था वो 41 था। तो आई वॉज हैप्पी कि यार मेरा जल्दी से नंबर आ जाएगा, ज़्यादा देर बैठना नहीं पड़ेगा और जो रिक्रूटर्स होंगे वो भी फ्रेश माइंड से बात करेंगे। बिकॉज़ क्या होता है ना, काफ़ी सारों को बात काफ़ी सारों से बात करते 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 जो इंटरव्यूअर्स होते हैं ना वो थक जाते हैं। तो इसलिए अच्छा है ना, स्टार्टिंग में जाओ, इम्प्रेशन जमा हो और सिलेक्ट हो जाओ। तो इसलिए मेरा 41 था, मैं खुश हो गई। और 10-10 के बैच में एक अदर रूम मतलब एक और रूम था उसमें जा रहे थे, तो इट वाज लाइक ओके। सो वहाँ पे मैं जब रूम में गई मैंने देखा कि बहुत बड़ा सा रूम था और वहाँ पे 2 बैठे थे इंटरव्यूअर्स। ओके, तो एक बैच उनके फर्स्ट इंटरव्यू के पास था, एक बैच दूसरे इंटरव्यू के पास था। तो मैं वहाँ पर गई बैठी, तो जो HR थी वो एक्चुअली HR थे कंपनी के। यस, तो वो जो HR थी वो काफ़ी ब्यूटीफुल थी यार, दे वर सो गुड लुकिंग एंड ऑर्गेनाइज्ड एंड एवरीथिंग लाइक परफेक्ट। सो हम बैठे, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून हुई। उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन that ma'am asked us commonly was, have you given interview in Indigo before? So fortunately हम सबका पहला इंटरव्यू था, so we all said no, it's our first interview. फिर उसके बाद she asked us questions one करके, एक एक करके उन्होंने हमसे questions पूछे। फिर मेरा question आया था कि why
why do you want to be a cabin crew? तो मैंने आंसर कर दिया. उसके बाद बाकियों से भी क्वेश्चंस पूछे. एंड ट्रस्ट मी गाइस, बहुत बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, लाइक व्हाई डू यू वांट टू बी अ कैबिन क्रू, व्हाट डू यू नो अबाउट कैबिन क्रू प्रोफाइल, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन इंडिगो, व्हाट डू यू नो अबाउट इंडिगो, एंड टेल मी अबाउट योर बेस्ट फ्रेंड, योर फेवरेट प्लेस, योर फेवरेट फूड, दिस. बस इसके अलावा कुछ नहीं होता, मतलब होता है बट ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं. लाइक क्वेश्चंस को लेके बहुत हाइप रहती है, क्वेश्चन बाद में आता है, पहले आता है तुम्हारा कम्युनिकेशन और कॉन्फिडेंस. सो उसके बाद वो हो गया. मैंने देखा जो लड़कियाँ थी उनका भी पहली बार ही था इंटरव्यू, तो दे वर नर्वस. तो उनकी तो एक ही तो थी, जब उनसे क्वेश्चन पूछा ना तो वो बेचारी चुप ही हो गई, लाइक आई कैन फील हर, वो ब्लैंक हो गई एकदम, वो कुछ बोल ही नहीं पाई. फिर 10 सेकेंड के पॉज के बाद वो बोली, पर बहुत टूटे फूटे शब्दों में बोली. तो ऑफकोर्स बहुत ये ऑब्वियस था कि उसका सिलेक्शन नहीं होगा. काफ़ी और लड़कियाँ थी, तो वो किसी की थोड़ा वॉइस क्रैक कर रही थी, कोई कॉन्फिडेंस से नहीं बोल रही थी, किसी इंग्लिश में प्रॉब्लम थी, तो ऐसे ऐसे हो रहा था. फिर हम 10 के बैच में 2 लड़के सिलेक्ट हुई, मैं और मेरी साइड में एक लड़की बैठी थी वो. सो ठीक है, हो गया. उसके बाद सेकेंड स्टेज थी हमारी, दोबारा से जो आगे 6 लड़कियाँ आई थी उनका ही बैच बना. तो उस टाइम हम सिर्फ 8 गर्ल्स थी. फिर दोबारा से क्या कहते हैं, क्वेश्चंस पूछे गए. तो मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था कि टेल मी समथिंग अबाउट योर स्कूल लाइफ. तो मैंने बता दिया, बट मैं बीच में थोड़ा फंबल कर गई थी. फंबल मैं इसलिए कर गई थी बिकॉज पहली बार इंटरव्यू दे रही थी, ऑल्सो कोविड के बाद इंग्लिश स्पीकिंग जो थी वो बहुत मिनिमम हो गई थी, मतलब बहुत कम हो गई थी. तो काफ़ी टाइम से इंग्लिश में बात नहीं करी थी तो फ्लुएंसी कम हो गई थी तो थोड़ा अटक गई. फिर सेकेंड स्टेज के बाद मुझे ऐसा लगा अब नहीं होनेगा मेरा, अब नहीं होगा, आई एम गॉन, लाइक ओके नहीं होगा. फिर जब रिजल्ट आया आई वॉज लाइक हो गया था. पता क्या, जब मैं इंटरव्यू देने से पहले, जैसे मैंने बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं करी थी, टू बी ऑनेस्ट बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं करी थी, और मैंने ऐसा था बस एक्सपीरियंस लेने जा रही हूँ, देखूँगी क्या होता है कैसे होता है. बट जैसे जैसे मैं अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँच रही थी, जैसे जैसे मेरे स्टेजेस आ रहे थे पास में, तो आई वाज लाइक यार क्लियर करना है. बट कैसे क्लियर होता, प्रैक्टिस तो करी ही नहीं थी. फिर तो फॉर्चुनेटली मेरा सेकेंड राउंड क्लियर हो गया था. उसमें भी बस क्वेश्चंस थे, पहले राउंड में भी क्वेश्चंस, सेकेंड राउंड में भी क्वेश्चंस. फिर थर्ड राउंड में बीएमआई होता है, बॉडी मास इंडेक्स. तो इसमें क्या होता है, आपकी जो हाइट होती है और आपका जो वेट होता है, कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होती हैं और उसको कैलकुलेट करा जाता है. तो आइडल बीएमआई है 19 to 21. इसको आप गूगल पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका एक फॉर्मूला भी होता है, मैथमेटिशियंस को पता होगा, वो हमें नहीं पता. तो वो होता है, तो मेरा और हाइट, या मिनिमम हाइट आपको चाहिए होती है इंडिगो में 155 सेंटीमीटर, और वेट का तो कुछ नहीं है, बस वो है कि बीएमआई से मैच कर जाए तुम्हारा तो हो जाएगा, वरना नहीं होगा. तो बीएमआई में वो चेक करते हैं आपकी हाइट, बॉडी वेट, स्कार्स तो नहीं है और टैटू तो नहीं है, और बस यही देखते हैं. हाँ, और विजिबिलिटी टेस्ट भी होता है, हियरिंग टेस्ट भी होता है, और हाँ बस यही होता है. यस, तो मेरा वो सब हुआ था. आई वॉज वेरी नर्वस कि पता नहीं क्या होगा, बिकॉज मेरी हाइट थोड़ी कम है और हम लोग उसे बढ़ा भी नहीं सकती अनफॉर्चुनेटली. अगर किसी के पास कोई आइडिया हो हाइट बढ़ाने का तो प्लीज़ डू कमेंट, इट आई रियली नीड इट, लाइक आई एम ओनली 155 सेंटीमीटर. लकीली मतलब अगर 1 मीटर भी कम होता ना तो सेंटीमीटर, तो मेरा सिलेक्शन नहीं होना था. दे आर वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट द हाइट एंड वेट, लाइक हाइट एंड बीएमआई. तो इसलिए फिर मेरा 155 में बॉर्डर पर निकली. उन्होंने मुझसे पूछा कि पास्ट में कुछ यू नो प्रॉब्लम तो नहीं थी, जैसे होती हैं वेरियस प्रॉब्लम, डायबिटीज़, हार्ट अटैक, कुछ ऐसे प्रॉब्लम. तो मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई थी बाय गॉड ग्रेस. तो वहाँ पे भी मेरा टिक 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 हो गया, कहीं पर भी क्रॉस नहीं आया. तो मेरा जो बीएमआई, मतलब जो रिपोर्ट थी बीएमआई की, वो बिल्कुल परफेक्ट थी, बिकॉज स्कार्स भी कुछ नहीं है, और जो थोड़े बहुत हैं मच्छर के काटने के और उन्हें छील के जो घाव हो जाता है उनके, तो उनको उन्होंने
इस चीज़ को कंसिडर नहीं करा, बाकी एवरीथिंग वॉज फाइन। तो सेकेंड थर्ड राउंड BMI हो गया, उसके बाद होता है फोर्थ राउंड, उसमें भी बस तुम्हारा कम्युनिकेशन देखने के लिए तुमसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वहाँ पर मैं पहुँची, वहाँ पर भी 15 या 12 लड़कियाँ थीं सेम रूम में, और वहाँ पे अब की बार थोड़े सुपीरियर HRR आए थे, एंड आई कैन सी मेरे जो बाकी की जो बैचमेट्स थी वो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस और यू नो डिटरमाइंड थी कि हमें ये जॉब चाहिए। बिकॉज जो पहले के दो राउंड्स थे उनमें जो लड़कियाँ थी वो ज़्यादा एक्टिव नहीं थी, लाइक दे वर एक्टिव बट नॉट ज़्यादा। तो फोर्थ राउंड में जब इंटरव्यू मतलब क्वेश्चन पूछे गए तो दे वर लाइक सर आई वांट टू अप्लाई सर दिस सर ये, मतलब दे वर सो कॉन्फिडेंट कि यार मैं देख के थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट हो गया कि यार कितने कॉन्फिडेंस से बोल रही हूँ। बट एक कॉन्फिडेंस का रीज़न का ये भी था बिकॉज मोस्ट ऑफ देम वर एक्सपीरियंस्ड, तो इसलिए दे नो हाउ टू मेक इट। तो कोई बात नहीं, मैंने उस चीज़ को अपने गोल्स के सामने आने नहीं दिया और मैंने भी कॉन्फिडेंटली जवाब दिया। फिर क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था व्हाई डू यू वांट टू बी अ कैबिन क्रू अगेन। सो और ये क्वेश्चन सबसे पूछा, ये नहीं है कि एक से अलग अनलाइक अदर टू राउंड्स, इस राउंड में एक ही क्वेश्चन पूछा वो भी सबसे। तो सब ने जवाब दे दिया, मैंने भी चिल्ला के जवाब दिया क्योंकि हम दूर दूर बैठे थे ना तो आवाज़ नहीं जाती उनको, तो थोड़ा वो पिछाई करके जवाब दिया। फिर फोर्थ राउंड हो गया, बट वहाँ पे मुझे थोड़ा डाउट हो रहा था, वैसे मैंने अच्छे से बोला था पर थोड़ा डाउट हो रहा था, फिर भी डर लग रहा था कि यार क्या होगा। तो रिजल्ट आते हैं एंड आई वाज सिलेक्टेड। I was not selected, but I wasn't rejected as well. Yes. क्या होता है इंडिगो में तीन कैटेगरीज होती हैं, सिलेक्शन रिजेक्शन एंड PhD। सो जो उनको लगता है कि हाँ ये बिल्कुल परफेक्ट हैं उनको वो सिलेक्ट कर लेते हैं, जो उनको लगता है कि बिल्कुल मतलब बिलो द लाइन है उनको वो रिजेक्ट कर देते हैं। पर तीसरी कैटेगरी में वो कैंडिडेट्स जाते हैं जिनमें उन्हें लगता है कि हाँ दे हैव द पोटेंशियल, दे कैन डू इट बट दे नीड सम सॉर्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। ओके, तो उन बच्चों को उन कैंडिडेट्स को वो भेज देते हैं PhD में। व्हाट इज़ PhD? PhD इज़ प्री हायर ट्रेनिंग। तो इस बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी डिटेल में कि वो क्या है, बट इसे एक ट्रेनिंग मान लो कि प्री हायर ट्रेनिंग, इसमें जाते हैं कैंडिडेट्स वो वाले। तो मैं उसके लिए सिलेक्ट हो गई थी बिकॉज मैंने बताया था सेकंड राउंड में मैं फंबल कर गई थी, तो शायद उन्होंने इस चीज़ को नोट कर लिया कि हाँ ये फंबल करी, बाकी इसकी पर्सनैलिटी सही है, BMI सही है, बोल भी सही लेती है, कॉन्फिडेंस है, मतलब बस थोड़ा इंग्लिश में फंबल कर गई, फंबल यानी अटक गई मैं थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था। तो उसमें मैं PhD में चली गई एंड मुझे PhD के बारे में कोई आइडिया नहीं था, लाइक व्हाट इज़ दैट PhD। सो बहुत मिक्स फीलिंग्स आ रही थी बिकॉज आई वॉन्ट टू मेक इट टू द यू नो सिलेक्शन बट आई वॉजंट एबल टू। पर मैं कोई कहीं नई जगह चली गई थी लाइक PhD में, सो मेरे पास एक HR आई जिन्होंने मेरा फर्स्ट इंटरव्यू लिया था, फर्स्ट राउंड करा था। सो शी केम एंड मेरे पास इन साथ तीन लड़कियाँ और थी एंड शी पोलाइटली इन्फॉर्म्ड अस कि वी आर नॉट सिलेक्टेड बट वी आर सिलेक्टेड फॉर PhD एंड शी सेड अस दैट PhD इज़ रियली गुड एंड दे विल जस्ट इम्प्रूव अस एंड उसके बाद एक छोटा सा इंटरव्यू होगा, वी नीड टू क्लियर दैट, और वो क्लियर हो गया तो वी विल बी एन ऑफिशियल पार्ट ऑफ इंडिगो, और अगर हमने वो क्लियर नहीं करा तो वी विल बी रिजेक्टेड। एंड लेट मी टेल यू दिस गाइस कि अगर हम PhD से रिजेक्ट हो जाता है ना तो 99% चांसेस है दैट यू विल नेवर गेट अ जॉब ऑफ कैबिन क्रू इन इंडिगो, नहीं लेते वो PhD वालों को। सो यस, फिर मैं PhD के लिए सिलेक्ट हो गई थी बट बहुत मिक्स फीलिंग आ रही थी बिकॉज मैं सिलेक्ट नहीं हुई थी जो मैं खुश हो जाऊँ, मैं रिजेक्ट भी नहीं हुई थी जो मैं दुखी हो जाऊँ। तो बहुत मिक्स फीलिंग्स थी बहुत ज़्यादा, और वो बहुत गंदी थी टू बी ऑनेस्ट। फिर मुझे PhD के बारे में ज़्यादा पता नहीं था, वॉज लाइक क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, बट स्टिल मैंने एक पॉजिटिव साइड देखने की कोशिश करी कि चलो आई एम नॉट रिजेक्टेड
गई और काफ़ी टाइम तक कुछ उन्होंने यू नो रिवर्ट नहीं करा, मेल नहीं करा, कुछ नहीं करा। मैं सोच रही यार बुद्धू तो नहीं बना दिया कि PhD में लेट हो गए, जाओ अब तुम, बुद्धू तो नहीं। तो बट ऐसा नहीं था। आई विल टेल यू इन डिटेल इस बारे में बाद में। तो बाकी राउंड्स के बारे में बात करते हैं। तो उसके बाद दो राउंड्स और हुए थे, फोर्थ राउंड के बाद दो राउंड्स और हुए थे। दैट वॉज ना दो, एक राउंड हुआ था और वो था वीडियो कॉल राउंड। वीडियो कॉल में जो लड़की सेलेक्ट हो गई थी फोर्थ राउंड के बाद, उनका कॉल हुआ था किससे, जो शायद जो हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट थे उनसे। तो क्योंकि मैंने देखा था जब मैम हमें PhD के बारे में बता रही थी, तो पीछे उन लड़कियों का वीडियो कॉलिंग चल रही थी, वीडियो इंटरव्यू चल रहा था। सो आई वाज लाइक मुझे भी वहाँ बैठना है, मुझे भी देना है। पर ठीक है यार, जो होता है अच्छे के लिए होता है। हो गया मेरा सिलेक्शन, वैसे नहीं तो ऐसे। ओके, तो बस वो पांच राउंड हुए थे उस दिन। बाकी लड़के सिलेक्ट हुई थी, मुझे नहीं पता कितनी हुई थी, पर सिलेक्ट हुई थी। एंड मोस्ट ऑफ देम वर एक्सपीरियंस्ड। प्रेशर्स भी हुए थे, बट वो ये ना हर एयरलाइन जो एक्सपीरियंस है उनको प्रेफरेंस दे रही है। दैट इज़ रैशनल, दैट इज़ रेलेवेंट कि हाँ देंगे ऑफकोर्स। सो यस, दीज आर फाइव वर द स्टेजेस। और ऐसे मेरा, मैं PhD में पहुँची और मैंने PhD क्लियर कर लिया और मेरा सिलेक्शन हो गया। और इस PhD का जो रिजल्ट है वो 15th of June को आया, इसी लास्ट 15th of June। यस, फिर मेरा सिलेक्शन हो गया। मैं तो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो एंड नीड टू गो नाउ। ऑल्सो इफ यू हैव एनी सजेशंस, आइडियाज, और यू इफ यू वॉन्ट मी टू मेक अ सेपरेट वीडियो अबाउट अ पर्टिकुलर टॉपिक, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, इफ आई हैव मिस समथिंग इंफॉर्मेटिव, सो प्लीज डू आस्क एंड टेल in the comment section. I will answer you and will try to upload video which you have demanded as soon as possible. And if you have not watched my last video, please do watch it. I will share all the links in the description box. Also, you may be able to see it on the screen. And yeah, that's it. Thank you so much for watching my video. See you in next video. Bye. Thank you.